So hello and welcome guys, this is Ashutosh your host and I welcome you all in this new video tutorial segment of concept of the day. So guys, today we are going to discuss what are the bad effects of armature reaction. Earlier we studied about how armature reaction is produced. हमने पहले वाले वीडियो में देखा था गाइस कि आर्मेचर रिएक्शन कैसे बनता है, आर्मेचर रिएक्शन कैसे पैदा होता है, हाउ आर्मेचर रिएक्शन इज प्रोड्यूस. ओके, सो गाइस इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस. So guys, here you can see basically the effect of armature MMF or flux on the main field flux is called armature reactions. आप देख सकते हैं यहां पर जो armature MMF या armature flux का जो बुरा प्रभाव होता है वो field flux या main flux के ऊपर पड़ता है guys, और इसी घटना को armature reaction कहा जाता है. और जो कि किसके कारण बनता है, किसके कारण पैदा होता है, तो दो मेजर इफेक्ट्स वहां पर पाए जाते हैं. आप देख सकते हैं, यू कैन सी ओवर हियर, ड्यू टू दीज टू मेजर इफेक्ट्स मोर लॉसेस आर प्रोड्यूस्ड. आप यहां पर देख सकते हैं गाइस, हियर यू कैन सी द फर्स्ट मेजर इफेक्ट इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, वेयर व्हाट हैपेंस गाइस, द आर्मेचर फ्लक्स एंड फील्ड फ्लक्स they will meet at perpendicular position, at 90 degree position. They cross each other at 90 degree. Okay, so that is why the armature flux is called the cross flux, and the resultant waveform of flux distribution is obtained when current flows in both of the windings, and this effect is called cross magnetizing effect of armature reaction. So guys, basically हम पहले देख चुके हैं गाइस कि जो फील्ड फ्लक्स होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलता है, जो स्ट्रेट होता है, दिस इज कॉल्ड फील्ड फ्लक्स. ओके, विच ऑलवेज गोज स्ट्रेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड साउथ पोल, एंड आर्मेचर ड्यू टू आर्मेचर करेंट्स. ओके, द आर्मेचर फ्लक्स इज प्रोड्यूस लाइक क्लॉकवाइज इन दिस डायरेक्शन एंड विच विल बी ऑलवेज एट 90 डिग्री. ओके, विद द क्रॉस फ्लक्स, विद द मेन फ्लक्स. सो आप देख सकते हैं गाइस यहां पर, और इसीलिए इसको क्रॉस फ्लक्स कहा जाता है, क्योंकि दोनों जो फ्लक्स हैं वो हमेशा 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं. तो ये वाला जो इफेक्ट है गाइस, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहलाता है, और इसके कारण से डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है गाइस, एंड डिस्टॉर्शन इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ दैट. एंड द सेकेंड बिग इफेक्ट इज कॉल्ड, द मेजर इफेक्ट इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट. सो गाइस यहां पर क्या होता है, सो हियर व्हाट हैपेंस गाइस, जो रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी है उसकी जो वेव फॉर्म है वो पुअर हो जाती है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस द डिस्टॉर्शन ऑफ फ्लक्स इज क्रिएटेड, एंड व्हाट हैपेंस, द रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी, ओके, द रिजल्टेंट फ्लक्स इज टिल्टेड. ओके, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन लाइकवाइज. ओके, इस तरीके से जो फ्लक्स है वो टिल्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है गाइज. ओके, आप देख सकते हैं इस तरीके से the flux waveform is shifted. Okay, so the concentration of flux is more at the upper side of north pole as well as the lower side of south pole. So here what happens, the armature reaction flux strengthens the main field flux at upper side of north pole and lower side of south pole, and guys it weakens the flux at lower side of north pole as well as the upper side of south pole. To yahan par flux density kam ho jati hai guys south pole ke upar wale part mein aur north pole ke niche wale part mein, ye jo portion hai is part mein flux density kam ho jati hai, jabki north pole ke upper part mein aur south pole ke lower part mein flux density increase hoti hai guys. So this is called demagnetizing effect. Okay, so the resultant flux is decreased, also the main flux is decreased due to this phenomena, and this phenomena is called demagnetizing effect. So guys,
अब देखिए इसके कारण से कौन से बैड इफेक्ट्स होते हैं, व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स। ओके, सो ड्यू टू दीज टू मेजर इफेक्ट्स, ड्यू टू दीज टू मेजर इफेक्ट्स मोर लॉसेस आर प्रोड्यूस। सो हम देखते हैं गाइस, ड्यू टू टू मेजर इफेक्ट्स विच आर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ओके एंड डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट लीड्स टू मोर बैड इफेक्ट्स। तो इसमें क्या क्या हो सकता है आप देख सकते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ओवर हियर, रिडक्शन इन द मेन फ्लक्स पर पोल रिड्यूसेस द जनरेटर वोल्टेज एंड टॉर्क द डिस्टॉर्शन ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स। सो गाइस इसके कारण क्या होगा, मेन फ्लक्स में कमी आती है, जो फील्ड फ्लक्स है उसमें कमी आती है, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसमें रिडक्शन होता है, और जिसके कारण से अगर ये जनरेटर है तो जनरेटर का वोल्टेज कम होगा। ओके, देयर विल बी रिडक्शन इन जनरेटर वोल्टेज, और अगर ये मोटर के जैसा बिहेव कर रही है तो मोटर के टॉर्क में कमी आती है गाइस, क्योंकि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, और ईएमएफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। सो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो और सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं, द डिस्टॉर्शन ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स। सो आप देख सकते हैं गाइस, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि फ्लक्स का जो वेव फॉर्म है वो टिल्ट हो जाता है, दिस वेव फॉर्म ओके इज टिल्टेड एंड शिफ्टेड। सो वेव फॉर्म इज डिस्टॉर्टेड ओवर हियर, एज यू कैन सी ओवर हियर ऑन द स्क्रीन। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी है उसका जो वेव फॉर्म है वो खराब हो जाती है, एंड क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है मेन फील्ड फ्लक्स में गाइस। इसीलिए थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, इन्फ्लुएंसेस द लिमिट ऑफ सक्सेसफुल कम्यूटेशन इन डीसी मशीन। सो गाइस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, इसके कारण जो फ्लक्स का जो शिफ्ट हो रहा है, जो इंटरपोलर एक्सिस या क्यू एक्सिस पहले यहां पर था गाइस, ओके 90 डिग्री पर फील्ड फ्लक्स जो सीधा चल रहा था, इट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड साउथ। ओके, सो 90 डिग्री द इंटरपोलर एक्सिस, दिस वॉज द प्रीवियस इंटरपोलर एक्सिस, बट नाउ इट हैज बीन शिफ्टेड टूवर्ड्स इन दिस रीजन गाइज। आप देख सकते हैं यहां पर ये शिफ्ट हो चुका है, और इसीलिए यहां पर कम्यूटेशन में खराबी आती है, कम्यूटेशन खराब होता है गाइज। ओके, कम्यूटेशन बिकम्स पुअरर। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं गाइज, आयरन लॉस जो है, आयरन लॉस डिपेंड ऑन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी एंड द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन इंक्रीजेस द फ्लक्स डेंसिटी अंडर वन हाफ ऑफ द पोल आर्क एंड डिक्रीजेस इट अंडर द अदर हाफ ऑफ द पोल आर्क। सो द इंक्रीज इन आयरन लॉसेज ड्यू टू लार्ज फ्लक्स डेंसिटी इज मच मोर एट लोड। सो गाइस बेसिकली नो लोड पर केवल फील्ड करेंट होती है, ये वाली फील्ड करंट आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, केवल ये वाली फील्ड करंट, इसमें फ्लक्स जो बनेगा उसको आप बोलेंगे फील्ड फ्लक्स, इट विल बी कॉल्ड फील्ड फ्लक्स। बट गाइस व्हेनेवर देयर विल बी लोड, व्हाट हैपेंस, करंट जो है वो आर्मेचर में से बाहर जाएगी या अंदर आएगी अगर मोटर है तो, और गाइस आर्मेचर रिएक्शन होगा क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स बनेगा। आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इसका, वी अर्लियर डिस्कस कैसा स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है गाइस, वी अर्लियर डिस्कस। तो आप यहां पर देख सकते हैं गाइस कि अगर दिस इज द स्लाइड, स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड फ्लक्स इज शोन ओवर हियर, कि अगर फील्ड में करंट एंटर कर रही है तो केवल फील्ड फ्लक्स बनेगा और उसका डायरेक्शन जो होगा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। आप देख सकते हैं दीज आर द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स, इट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टूवर्ड साउथ पोल। ओके, सो हियर ओनली फील्ड करेंट इज देयर, केवल फील्ड करेंट है यहां पर, और आर्मेचर करंट जब फ्लो होगी तो आप देख सकते हैं जो सेकेंड डायग्राम है गाइस, वेन एवर करेंट इन आर्मेचर वाइंडिंग फ्लोस देन आर्मेचर फ्लक्सेस आर प्रोड्यूस, जो इस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं गाइस। आप देख सकते हैं दीज आर द आर्मेचर फ्लक्स, ओके, और ये आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, और ये आर्मेचर कंडक्टर्स का हाफ पोर्शन है जिसमें डॉटेड कंडक्टर्स, जो डॉटेड है ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाया गया है इसमें, और इस तरफ दिखाया गया है क्रॉस, ओके, क्रॉस्ड जो डायरेक्शन है वो करंट है वो अंदर की तरफ जा रही है, इसमें बाहर की तरफ आ रही है। सो गाइस दीज आर द स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। सो आप जाकर चेक कर सकते हैं गाइस कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और रिजल्टेंट ईएमएफ भी आप चेक कर सकते हैं गाइस, व्हाट इज द रिजल्टेंट फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही ओके दोनों फ्लक्स का
दोनों फ्लक्स एक दूसरे के प्रति 90 डिग्री पर जब मिलते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन होता है. ओके, व्हेन एवर द फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर फ्लक्स विल कोलाइड विल बी एट 90 डिग्री दे विल बी कॉल्ड क्रॉस फ्लक्स एंड सो द डिस्टॉर्शन विल बी क्रिएटेड. ओके, सो दीज आर टू मेजर इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस गाइस. सो आप देख सकते हैं. सो नाउ वी विल कम बैक टू अवर स्लाइड. सो व्हाट हैपेंस गाइस ड्यू टू दीज टू इफेक्ट दीज आर द लॉसेस एंड इन अवर थर्ड स्लाइड यू कैन सी ओवर हियर गाइस कम्यूटेशन खराब होता है. आप देख सकते हैं यहां पर कि नो लोड पर जो जीरो क्रॉसिंग है फ्लक्स डेंसिटी वेव फॉर्म का वॉज अलोंग द इंटरपोलर एक्सिस. तो पहले गाइस नो लोड पर जो इंटरपोलर एक्सिस होता है वो ये 90 डिग्री होता है जो फील्ड फ्लक्स के 90 डिग्री पर होता है. ओके, सो दिस वॉज द जीरो क्रॉसिंग ऑफ फ्लक्स डेंसिटी. बट गाइस अंडर द लोडेड कंडीशन ऑफ द डीसी मशीन, जैसे ही डीसी मशीन में लोड कनेक्ट होगा वेदर इट इज ए जनरेटर और मोटर, व्हाट हैपेंस जीरो क्रॉसिंग ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी वेव इज शिफ्टेड बाय एन एंगल थीटा. सो आप यहां पर देख सकते हैं गाइस, अगर मैं आपको दिखाऊं इस डायग्राम में, यहां पर आप देख सकते हैं गाइस ये वाला जो फ्लक्स है ये फील्ड फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जो फ्लैट टॉप्ड होता है. यू कैन सी ओवर हियर दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. ओके, एज यू कैन सी ओवर हियर एंड सो ओके इन फ्रंट ऑफ द साउथ पोल इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड फ्लक्स जो फ्लैट टॉप्ड होता है. और साउथ पोल के अगेंस्ट में आप देख सकते हैं गाइस यहां पर ये भी फील्ड फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखाया गया है. और गाइस जीरो क्रॉसिंग कहां पर है, दिस इज कॉल्ड द इंटरपोलर एक्सिस. ये ब्रशेज हैं पहले यहां पर रखे हुए होते हैं. ओके, दीज आर द दिस इज कॉल्ड द इंटरपोलर एक्सिस एंड दिस इज द जीरो क्रॉसिंग. आप देख सकते हैं ये जीरो क्रॉसिंग है. ओके, यहां पर जीरो हो रहा है फ्लक्स और यहां पर भी जीरो हो रहा है फ्लक्स, आप देख सकते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड इंटरपोलर एक्सिस. सो गाइस बट और आर्मेचर फ्लक्स का आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं गाइस, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स विच इज approximately equal to triangular shape. Okay, this is the triangular shape. So this is the armature flux distribution. Okay, and this is the wave shape of armature flux and this is the wave shape of field flux, main flux. So guys, due to armature reaction क्या होता है, आप देख सकते हैं कि due to armature reaction जो resultant flux wave form है, जो resultant density है, वो shift हो गई है. और ये देखिए इस तरीके से अब जीरो क्रॉसिंग कहां आ गया गाइस, तो जीरो क्रॉसिंग जो है वो शिफ्ट हो चुका है गाइस यहां पर. तो आप देख सकते हैं पहले जीरो क्रॉसिंग यहां पर था, दिस वाज द पोजीशन, अब जीरो क्रॉसिंग गाइस यहां पर आ चुका है. तो अब आपको गाइस यहां पर और कम्यूटेशन जो होता है गाइस ये बिल्कुल जीरो क्रॉसिंग पे ही होना चाहिए. सो दिस वॉज अवर ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल प्लेन एंड दिस विल बी द न्यू एक्सिस, न्यू न्यूट्रल एक्सिस एंड इट विल बी कॉल्ड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस. सो गाइस तो कम्यूटेशन के लिए आपको अब ब्रश शिफ्टिंग करनी पड़ेगी. और आप देख सकते हैं कि ये जनरेटर है तो आपको जनरेटर के डायरेक्शन में ही उसी डायरेक्शन में इस ब्रशेज को शिफ्ट किया जाएगा. द ब्रशेज विल बी शिफ्टेड इन द सेम डायरेक्शन okay of the generator's direction. okay, but in case of motor's direction it is backward shift. okay, it will be backward shift. aap dekh sakte hain motor ka direction jo hoga wo is tarike se hoga. okay, right to left aur inka jo shift hoga wo left to right hoga guys. so it is the against the direction of rotation. सो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं कि जो कम्यूटेशन होता है, कम्यूटेशन की जो घटना होती है उसके लिए गाइस जो अंडर गोइंग कॉइल है, जो कॉइल यहां पर आप देख सकते हैं ये वाली कॉइल जो है वो उसमें ईएमएफ की वैल्यू जीरो होनी चाहिए. यू कैन सी ओवर हियर फॉर गुड कम्यूटेशन द कॉइल शॉर्ट सर्किटेड बाई द ब्रशेज should have zero EMF induced in them. So guys, during commutation क्या होता है, what happens during commutation, the brushes, the brush and the coil, okay, and the commutator, all three are got short circuited and where the reversal of current takes place. आप जानते हैं guys कि commutation की घटना के दौरान करंट का चेंज होता है, रिवर्सल ऑफ करंट होता है. द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स ड्यूरिंग कम्यूटेशन. और होता क्या है गाइस यहां पर, ड्यूरिंग कम्यूटेशन ब्रशेस
commutator and undergoing coil, all the three will be short circuited, okay, will be in short circuited condition, so that the current can be changed, the direction can be changed in the undergoing coil. So guys, aap yahan par dekh sakte hain, so there should be zero EMF in the coil which is undergoing commutation. Okay, so what happens actually, the brushes are usually placed along the interpolar axis. So guys, aap yahan par dekh sakte hain, jo pehle interpolar axis tha wo ye tha, aur yahi brush axis bhi tha, lekin guys, due to armature reaction it has been shifted. आर्मेचर रिएक्शन के शिफ्ट हो जाने के कारण से जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो ये वाला होता है, जिसको आप बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और जो पहले वाला जो प्रीवियस एक्सिस है, नाउ इट विल बी कॉल्ड ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस. सो गाइस, कम्यूटेशन की जो घटना है वो खराब हो जाएगी. यहां पर स्पार्किंग क्रिएट होती है, स्पार्किंग पैदा होती है एट द सरफेस ऑफ ब्रश एंड कम्यूटेटर, बिकॉज यहां पर जो कॉइल है उसमें ईएमएफ क्रिएट होता है. आप देख सकते हैं गाइस, यहां पर जो कॉइल होगा और जो शॉर्ट सर्किटेड कॉइल होगा जो कम्यूटेशन के अंदर आएगी, उसमें ईएमएफ बनता है और जो कि विरोध करता है कम्यूटेशन का. सो गाइस, दिस इज, और यहां पर जो गाइस कम्यूटेशन के दौरान जो कॉइल होगी, और इसमें क्योंकि एक ईएमएफ क्रिएट होता है, क्योंकि ये इंटरपोलर एक्सिस पे अभी भी ये कॉइल है, जबकि गाइस जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, वो शिफ्ट हो चुका है, वो यहां आ चुका है. आप देख सकते हैं ये वाला एक्सिस है, तो ये पहले जो ये था, ये ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस था, जहां पर इसके कॉइल में जीरो ईएमएफ क्रिएट हो रहा था. नाउ बट गाइस, व्हाट हैपेंस, देयर विल बी सम ईएमएफ क्रिएटेड इन दिस इंड्यूस इन दिस कॉइल, एंड नाउ बैक ईएमएफ विल बी क्रिएटेड इंड्यूस इन दिस कॉइल, एंड व्हिच इज कॉल्ड रिएक्टेंस वोल्टेज, यू कैन सी ओवर हियर. Okay, and now there will be, and it will, the commutation process will be delayed. There will be sparking at the surface of brush and commutator. So guys, यहाँ पर delayed commutation के कारण से sparking होती है, आप देख सकते हैं. And you can read the sentence, since zero crossing of the flux density is shifted from the interpolar axis and the coils undergoing commutation do not have zero EMF induced in them, so there will be a delay in the reversal of current in the short circuited coils, and this may result in sparking at the surface of brushes. So guys, aap yahan par ek baar fir se dekh sakte hain is diagram ko, ki yahan par guys, ki ye wala jo axis tha, ye interpolar axis tha. ओके, पहले जीरो क्रॉसिंग ये वाला एक्सिस था, आप देख सकते हैं यहां पर. बट गाइस, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी है, दिस इज द रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी, एंड द जीरो क्रॉसिंग ऑफ द फ्लक्स इज शिफ्टेड. ओके, दिस एक्सिस इज शिफ्टेड, एंड नाउ इट हैज कम along this axis, and this is called magnetic neutral axis. This is the actual neutral axis, and this was geometrical neutral axis. So guys, ab acche commutation ke liye, so in order to get good commutation, we must shift this brush in this direction. So guys, aapko brush shifting karni padegi is direction mein, itna jo angle hai, okay, this much angle, by this much angle you have to shift these brushes from this axis to this axis. Okay, so now here the commutation will be better, guys. So the phenomena of commutation yahan par acha ho jayega, aap dekh sakte hain yahan par.